हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मन्नार कस्बे में लॉकडाउन होने के कारण गांव में विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के सामने भोजन की समस्या हो गई है। इसे देखते हुए गांव के भामाशाह के सहयोग से 3-4 युवा को गांव में घूमने वाले पशुओं का रोजाना भोजन करवाने का बीड़ा उठाया है। युवाओं ने एक टीम का गठन कर सभी जानवरों को विभिन्न तरह के भोजन करवा रहे हैं। हितेश जैन ने बताया कि इन दिनों लॉकडाउन होने के कारण पूरा कस्बा बंद होने से अब गांव में बंदर और कुत्ते बेसहारा गौवंश समेत अन्य जानवरों के सामने खाने की समस्या हो गई है, जिसको लेकर 3-4 युवाओं ने मिलकर इन सभी जानवरों को 2 समय भोजन देने का तय किया, जिसके तहत गायों को बाजार में हरा चारा व तरबूज खरबूजा डाले जाते हैं तो वहाँ आवारा कुत्तों को सुबह के समय हर जगह लड्डू बिस्किट अन्य सामग्री बांटी जाती है। गांव में घूमने वाले बंदरों के लिए आलू व फल की व्यवस्था तथा पक्षियों को दाना भी डाला जा रहा है। महावीर सिंह देवड़ा, हितेश जैन, आरिफ असगरी, अशरफ भाटी, अमृत सेन सहयोग कर रहे हैं। हितेश जैन ने बताया कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये कार्य भामाशाह के सहयोग से चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन एक ट्रैक्टर ट्रॉली हरा चारा और आलू व फल लड्डू की व्यवस्था की जा रही है। सभी भामाशाह का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी भामाशाह का सहयोग देते रहेंगे। जागरूक टीवी के मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।